हेलो गाइस, वेलकम टू माय आर्ट वर्ल्ड। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में ग्रेड मेथड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि आपको ग्रेड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और ग्रेड मेथड से क्या फ़ायदे होते हैं, और ग्रेड मेथड आप मोबाइल की हेल्प से कैसे कर सकते हो। तो पहली बात कि हमें ग्रेड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर आप एक बिगनर हो तो आपको डेफिनेटली ग्रेड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। बड़े बड़े आर्टिस्ट जो होते हैं वो ग्रेड्स का इस्तेमाल करते हैं। इनफैक्ट मैं भी अपनी लगभग जो डिटेल वर्क होता है जितना भी, उसमें लगभग सभी में ग्रेड्स का इस्तेमाल करता हूँ। और आप जितने छोटे ग्रेड्स का इस्तेमाल करोगे, आप उतनी ही अच्छी आउटलाइन ड्रॉ कर पाओगे। अगर आपकी आउटलाइन जो परफेक्ट होगी तो डेफिनेटली आपका स्केच या फिर जो भी आप ड्रॉ कर रहे हो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ड्रॉ होगा। तो पहली बात तो ये कि आपको ग्रेड्स का इस्तेमाल बिल्कुल करना चाहिए अगर आप एक बिगनर है तो। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो आपको दो पार्ट में डिवाइड होकर मिलेगी, तो आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए और इसके नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेके आऊँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें अपनी फ़ोटो सेलेक्ट करनी है जो भी हमें बनानी है। तो मेरे पास ये फ़ोटो है, ये काफ़ी HD में है, आप देख सकते हो। आपको इसका लिंक मैं अब डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चाहो तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो भाई, सबसे पहले हम इसको एडिट करते हैं और इसे क्रॉप करते हैं। आप इसे रेशियो के हिसाब में बांटोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। मैं इसे 4:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। इसे बिल्कुल सेंटर में ले ला के इसे हम सेव कर लेते हैं और इसे ब्लैक एंड वाइट भी कर देते हैं। आप चाहो तो कोई भी इफेक्ट डाल के इसे कर सकते हो, अगर आप बना सकते हो तो। मैं तो ब्लैक एंड वाइट में ही बनाता हूँ, इसे ब्लैक एंड वाइट कर लेता हूँ। आप देख सकते हो मैंने इसे ब्लैक एंड वाइट कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, आपको अपनी वापस जाना है और आपको ग्रिड ऐप का इस्तेमाल करना है। आपको इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपको यहाँ से फ़ोटो जो आपने एडिट करी थी वो सिलेक्ट करनी है। देखो, मैंने सेलेक्ट कर ली और इसमें बॉक्सेस भी बने आ गए हैं, ग्रिड्स बने आ गए हैं। तो और हम सेलेक्ट करते हैं ग्रिड्स को, तो मैं इसमें 18 और 27 ग्रिड्स बना रहा हूँ। आप देख सकते हो ये बिल्कुल स्क्वायर में हो गए। अब आप चाहो तो मैं इसकी लाइनों को पतला कर देता हूँ, आप देख सकते हो इसकी लाइनें काफ़ी बारीक हो चुकी हैं। आप चाहो तो इसमें मार्क कर सकते हो और इसी ऐप के थ्रू आप इसमें क्रॉस लाइन भी खींच सकते हो, स्क्वायर कर सकते हो, और भी कई फीचर हैं जो आप इसमें कर सकते हो। बट मैं इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करता, मैं नॉर्मली बनाता हूँ। मैं इसकी आउटलाइंस को कलर दे देता हूँ ताकि मुझे नीचे की जो चीज़ें हैं वो अच्छे से दिख सके। फ़ोटो में कई जगह ब्लैक होता है, कलर दिया है, आप देख सकते हो। आप इसकी जो आउटलाइन है वो ब्लैक डार्क एरिया में भी साफ दिखाई दे रही है। हम इसे सेव कर लेते हैं। अब आप अपनी गैलरी में जाके फ़ोटो सेलेक्ट कर लीजिए और आप देख सकते हो उसमें। आप चाहो तो इनको स्केल से भी नाप सकते हो, आपके ये बॉक्स स्क्वायर में ही मिलेंगे। तो अब मैं A4 साइज़ की शीट पर आउटलाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। आप भी चाहो तो नॉर्मल सिंपल ग्रिड्स बना सकते हो आप अपने पेज के अकॉर्डिंग, और आप जितने छोटे ग्रिड्स बनाओगे उतना ही आपको ड्रॉ करने में आसानी होगी उतना ही आपको ड्रॉ करने में आसानी होगी और आप बहुत अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने ग्रिड्स खींच लिए हैं, तो मैं इनके ऊपर लिख देता हूँ कि कितने कितने उसकी हैं। ये 27 1
इधर से भी 21 81 18 मीटर से आप खींच सकते हो। एक एक बॉक्स मैंने एक एक सेंटीमीटर का लिया है, आप चाहो तो कम भी ले सकते हो, ज़्यादा भी ले सकते हो, आधे सेंटीमीटर के भी ले सकते हो। अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं तो आप इनको दो दो सेंटीमीटर के बॉक्स में भी डिवाइड कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। अब देख सकते हो ये मेरी रेफरेंस फ़ोटो है। तो अब इसमें आपको सिंपली करना क्या है, काउंट करने हैं कि कौन सा पार्ट कहाँ है। आप नॉर्मली ग्रिड्स का ये फ़ायदा होता है कि आप गाइज कहीं से मैं भी इस स्टार्ट वीडियो कर में सकते वॉइस ओवर कर रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा और हो रहा है। आप देख सकते हो, मैं इसके बॉक्सेस को काउंट कर लेता हूँ। तो सिक्स सिक्स बॉक्स में इसकी जो है स्टार्ट है, आप इसमें भी सिक्स तक काउंट करके मार्क कर सकते हो। और अब आपको करना क्या है, सिंपली जिस बॉक्स में जो लाइन है आपको उस बॉक्स में उसके अकॉर्डिंग ही वो लाइन खींचनी है। और ऐसे करने से आपकी एंड में जो रिजल्ट आएगा वो काफ़ी अच्छा होगा, आपकी आउटलाइन काफ़ी अच्छे से ड्रॉ हो पाएंगी, जिससे आप अच्छे से आगे ड्रॉ भी कर सकते हो। आप देख सकते हो काफ़ी स्मूथली आराम से बल्कि आउटलाइन ड्रॉ कर पाता हूँ। मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है। इसमें कोई घना बड़ा मेथड नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी आर्टिस्टों से जो बिगनर्स हैं उनसे आउटलाइन ड्रॉ नहीं हो पाती, ना ही वो ग्रिड्स का इस्तेमाल कर पाते हैं ठीक से। उनको पता होता है ग्रिड्स कैसे खींची जाएगी, लेकिन फिर भी उनसे कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। तो आप इस मेथड का इस्तेमाल करके आराम से ड्रॉ कर सकते हो। आप देख सकते हो मैं सिंपली धीरे धीरे जिस बॉक्स में जो पार्ट है उसको उसी के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर रहा हूँ, आप भी उसी के हिसाब से ड्रॉ कर सकते हो और काफ़ी अच्छे से आउटलाइन को आप ऑब्जर्व कर सकते हो। सो गाइस आप बताना कि मैं अगली नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लेके आऊँ। ये वीडियो हमारी दो पार्ट में डिवाइड होके आएगी, एक में मैं फेस फेस ड्रॉ करूँगा और एक में इसकी पूरी जो पूरा पिक्चर है उसको ड्रॉ करूँगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है तो थोड़ा सा पेशेंस रखें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और मैं आपकी डिमांडें भी पूरी करूँगा जिस टॉपिक पे आपको लगे कि हाँ मुझे इस पे ड्राइंग बनानी वीडियो बनानी चाहिए, मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊँगा। आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। अगर आप देख सकते हो मैं काफ़ी स्मूथली और आराम से आउटलाइन ड्रॉ कर पा रहा हूँ। आपके जितने छोटे बॉक्सेस रहेंगे आपको ड्रॉ करने में उतनी ही ज़्यादा आसानी होगी और आप सिंपली आराम से ड्रॉ कर पाओगे। गाइज आप अगर चैनल पे अभी नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नीचे बेल आइकन को प्रेस कर देना। आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और चैनल के साथ जुड़े रहना। सो गाइज अब आप थोड़ा सा सॉन्ग को एंजॉय कीजिए, मैं एक सॉन्ग प्ले कर देता हूँ। To sleep with open eyes.
तो गाइस आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से इसकी आउटलाइन ड्रॉ हो चुकी हैं। आप भी सिंपली इस मेथड का इस्तेमाल करके अच्छे से आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हैं। नीचे कमेंट करके बताना कि आउटलाइन अच्छे से ड्रॉ हुई है या नहीं हुई है। आप भी सिंपली इस तरीके से ड्राइंग कर सकते हैं। और इस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा। इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड करके डालूँगा। एक में इसके फेस की आउटलाइन होगी, एक में इसकी पूरी बॉडी की आउटलाइन हो जाएगी, और एक इसकी शेडिंग वाला पार्ट जल्द ही आएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।